सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हमारे लिए इट डजेंट रियली मैटर कि वो कौन से सीट में कौन से प्रार्थी दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने अपने प्रार्थी तालिका में जो नाम डालते हैं कहीं ना कहीं वो उसको एक क्या कहूँ एक एक डाइल्यूट करते हैं। बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बट कुछ होने वाला नहीं है, इसमें हमारे जो भी प्रार्थी होंगे वो आसानी से जो है हम 200 पार की जो लिमिट रखे वो हम ज़रूर सात करेंगे। मार्च को पीएम की रैली है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी के ज्वाइन करने की ये बात सामने आ रही है, क्या कहना मैं कोई चाहेंगे सर स्पेकुलेशन के आप? बारे में कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। ये मेरे ख्याल से बंगाल के इलेक्शन बहुत सीरियस इलेक्शन है, बहुत सीरियस इलेक्शन है। इसमें किसी भी तरीके का स्पेक्यूलेटिव या रिमोट मंगरिंग जो है वो नहीं होना सर, चाहिए। भवानीपुर से ममता जी पिछली बार लड़ी थी, इस बार नंदीग्राम सीट का उन्होंने अनाउंस किया, क्या लग रहा है आपको, क्या वो जाएंगी जीतेंगी? नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमि पुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा, कब से वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।